डियर स्टूडेंट्स, सितंबर का जो बाई मंथली टेस्ट होना है इस दे विच कुछ नवे दिशा निर्देश आए ने ते इस दे हिसाब नाल ए रिवाइज्ड डेट शीट आया है। इस रिवाइज्ड और ए अज दी डेट च ही इशू होया है, तुसी देख सकते हो डेट SCERT राइट, ए नंबर SEI 202 और ये नंबर है मीमो नंबर। सारे ही जिले लिए है डेट शीट, हवाला SCERT 2/9 जो ये डेट शीट पिछला इशू हुआ से वो संबंध से है। स्कूल सिक्ख्या विभाग वालों पंजाब राज दे सरकारी स्कूलों में वक् वक् जमातों के विद्यार्थियों दियाँ बायोमंथली प्रीख्यावान ऑफलाइन राही करवाइया जानिया हैं, ऑफलाइन यानी कि स्कूल के करवाई जा। इस संबंधी 6वीं तो 12वीं जमात की डेट शीट हेठ लिखे अनुसार है। ये 6वीं तो 12वीं तक दे है क्योंकि असी मेनली कंसर्न है प्लस टू और प्लस वन क्लास लई, तो ये रहा प्लस वन प्लस टू का, तो ये भी आप देख लें कि आया नवा ये कुछ आया है तो आप देख लें। आलमोस्ट सिमिलर ज लग रहा है तो कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आप देख लेंगे। तो ये स्ट्रीम सारे लिए ह्यूमैनिटीज साइंस कमर्स लिए है। 13 तरीक न पहला पेपर है, दिन है मंडे, और पंजाबी का प्लस वन का पेपर है तो जनरल इंग्लिश का प्लस टू का पेपर है। ये जरा पंजाबी का पेपर है 12 to 2 होएगा प्लस वन के स्टूडेंट्स का, तो जरा इंग्लिश का पेपर है प्लस टू का वो 9 to 11 का है। टाइमिंग का ध्यान रखियो, 12 का टाइमिंग 12वीं क्लास का टाइमिंग 9 to 11 है, तो प्लस वन क्लास का टाइमिंग ये जरा है ये 12 to 2 है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के नाल असीं इस सारे ही डेट शीट में समझांगे। 14 तरीक न है ट्यूजडे दिन, इंग्लिश है प्लस वन का, तो पंजाबी जनरल है प्लस टू का। 16 तरीक है थर्सडे, हिस्ट्री केमिस्ट्री अकाउंटेंसी 1 है, ज्योग्राफी ये है हिस्ट्री केमिस्ट्री तो अकाउंटेंसी 1 प्लस वन का, तो प्लस टू का जोड़ा है ये है ज्योग्राफी एंड FEB। 17 तरीक दिन फ्राइडे है, मैथ्स है प्लस वन का, तो प्लस टू का है हिस्ट्री केमिस्ट्री अकाउंटेंसी 2 का। 18 तरीक दिन सैटरडे है, पोलिटिकल साइंस बायो बिजनेस स्टडीज 1 है प्लस वन का, तो मैथ्स है प्लस टू का 18। 20 तरीक है मंडे, इकोनॉमिक्स फिजिक्स है प्लस वन का, तो प्लस टू का है पोलिटिकल साइंस बायो और बिजनेस स्टडीज 2। 21 तरीक है ट्यूजडे राइट, तो इस दिन ज्योग्राफी तो MOP होएगा प्लस वन का, इकोनॉमिक्स तो फिजिक्स प्लस टू का। हुण इंस्ट्रक्शनस नूं पढ़ लैने क्लीयरली। जमात 6वीं तो 12वीं दे उक्त दित्ते विषय दे प्रश्न पत्र मुख दफ्तर वालों तैयार किए जाएंगे। प्रश्न पत्र मुख दफ्तर वालों आएंगे अते इन्हां प्रश्न पत्र दी साफ्ट कॉपी मुख दफ्तर तो जिला सिक्ख्या अफसर राहें स्कूल मुखियों नूं भेजी जाएगी। यानी कि प्रश्न पत्र कित्थों बन के आएगा, ये मुख दफ्तर यानी कि बोर्ड वालों बन के आएगा। उस तो बाद है पॉइंट नंबर 3, उक्त डेट शीट में जिहड़े विषय दर्ज नहीं हैं उन्हां दा पेपर स्कूल मुखी साहिबान वालों अपने पद्धर ते स्कूल दे अध्यापकां लैक्चरां तों बनवा के लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जिहड़े पेपर होणगे स्कूल पद्धर ते तैयार होणगे जिहड़े कि जिन्हां दा डेट शीट च कोई मैनशन नहीं है, अकॉर्डिंगली पेपर लिया जाएगा। उस तो बाद आ जाने हैं नंबर 4, सारिया जमातां दीआं प्रीख्या अप्रैल तों अगस्त दे करवाए गए पाठक्रम विच ले जाएंगे। प्रश्न पत्र विच अप्रैल मई के पाठक्रम विचों 25% आएंगे, तो उस तो बाद जुलाई अगस्त सिलेबस चो 75% की वंड होएगी। यानी कि 25% अप्रैल वाले सिलेबस चो होंगे, तो 75% जिहड़ा होएगा वो जुलाई अगस्त विचों आएगा। तो 5वां पॉइंट है, सारे प्रश्न पत्र MCQ आधारित होंगे, 8वीं 10वीं जमातों लिए जिन्हें विषयों का नैस का मुलांकन होना है उन्हां दा पेपर पैटर्न नैस 2021 आधारित होएगा। इन्हां विषयां दे मुलांकन लई OMR शीट दी सॉफ्ट कॉपी दे रूप विच मुख दफ्तर तो भेजी जाएगी। उस तो बाद है पॉइंट 6, जमात 6वीं 7वीं 9वीं 11वीं 12वीं दे प्रश्न पत्र भी MCQs आधारित होणगे, इन्हां प्रश्न पत्र दी वेटेज पहले तो निर्धारित पेपरां दे कुल अंक दा 50% होवेगी। यानी कि जे पहले 80 नंबर दा सीगा तो हूँ 40% 40 नंबर का हो जाएगा 50% राइट। तो
अगे है पॉइंट नंबर अठ अठवीं से दसवीं जमातों के रेंदे विषयों का पेपर एम सी क्यू से आधारित होने नए प्रश्न पत्रों की वेटेज पहला तो निर्धारित पेपर की कुल अंक का 50% होगा। पॉइंट नंबर अठ स्कूल मुखी CWSN विद्यार्थियों की प्रीख्या अपने पद्धर से लैन गए। पॉइंट नंबर नौ विद्यार्थियों वालों प्राप्त अंक का पूरा रिकॉर्ड स्कूल पद्धर से रखा जाएगा। पॉइंट नंबर दस प्रीखार्थी प्रीख्यावान दौरान COVID-19 संबंधी हिदायतों का पालना करना यकीन बनाएंगे। तो ये चीज़ा है मेन इस शामिल हैं, इस गल का ध्यान रखना तुसी।